गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अनीशा सिंह क्रिएशंस। आज की मेरी वीडियो है माइक्रम का तोरण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें। सो स्क्रीन पे आपको ये तोरण का डिज़ाइन दिख रहा है। सो यहाँ पर मैंने लिया है एक रिंग, ये हुक वाला रिंग है, आप नॉर्मल रिंग भी ले सकते हैं। और यहाँ पर टोटल 5 कॉर्ड अटैच करने हैं 5 मीटर के। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर आपका डोर बड़ा है तो आप मीटर में ज़्यादा ले लीजिए। मैं अपने इस डोर के साइज़ का ले रही हूँ, बट ये जो साइज़ है वो कॉमन सबका रहता है, तो आप एक बार नाप लीजिए एंड उसके बाद बना सकते हैं। सो टोटल 5 कॉर्ड, ये 5 कॉर्ड अटैच हो गए हैं। तो इस साइड का 1st कॉर्ड लेना है और सारे कॉर्ड्स को इसके ऊपर पाइपिंग कर लेना है। ये वाला पूरा जो कॉर्ड्स है वो सारे कॉर्ड्स पाइपिंग हो गए हैं। सो 1st कॉर्ड लेना है, उसके बाद और जो एक्स्ट्रा कॉर्ड्स हैं उन्हें भी पाइपिंग करना है। तो ये 1st कॉर्ड यहाँ पर पाइपिंग हो गया, और ये जो कॉर्ड पाइपिंग हुआ है इसे भी अब ले लेना है इस कॉर्ड के साथ, ठीक है। ये 2 कॉर्ड हो गया, अब ये 2 कॉर्ड के ऊपर 3rd वाला जो कॉर्ड है इन दोनों के ऊपर पाइपिंग होगा। फिर ये 3rd वाला कॉर्ड भी ले लेना है, और इन 3 कॉर्ड के ऊपर 4th वाला कॉर्ड पाइपिंग होगा। इसी तरीके से हमें कॉर्ड जो जिससे हम पाइपिंग कर रहे हैं उस कॉर्ड को भी ले करके उसके ऊपर पाइपिंग करते जाना है। ये लास्ट कॉर्ड तक, जो लास्ट वाला कॉर्ड था वहाँ तक इसे करके कंप्लीट कर लेना है। बस ये वाला जो राउंड है ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, जो कॉर्ड्स पूरे हो चुके हैं अब नीचे साइड से, ठीक है, ये एक बंडल जैसा हो गया है, अब ये नीचे साइड से उस साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से फिर से पाइपिंग करना है। सो यहाँ पर जो सारे कॉर्ड्स हैं वो एक में मिला करके हमने ये थोड़ा मोटा ऐसे शेप ले लिया था। अब क्या करना है, वही सारे कॉर्ड्स को नीचे नीचे से निकालना है इस तरीके से और पाइपिंग करते जाना है। अब क्या करना है, सारे कॉर्ड्स को डिक्रीज करना है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। और सारे कॉर्ड्स आप देख सकते हैं साइड्स में ये बाहर इस तरीके से होते जा रहा है। ऐसे ही सारे कॉर्ड्स लास्ट वाला 1st कॉर्ड तक पाइपिंग करके रेडी करना है। ये लास्ट वाला जो 1st कॉर्ड है ये यहाँ तक हो गया। अब हम इस तरीके से ऊपर रोटेट करेंगे और किसी चीज़ के हेल्प से उसमें जो कॉर्ड्स हैं इसमें यहाँ पर जगह होल कर लेना, ये जगह बना लेना है।
और ऊपर साइड से, नीचे से नहीं, ऊपर साइड से इस कॉर्ड को इसके अंदर ले लेना है। इस तरीके से ऊपर साइड से मैंने ले लिया, ये निकल जाएगा और ये अच्छे से ऊपर सेटल कर लेना है। और जो कॉर्ड हमने इधर बाहर निकाला है उसमें एक बीट्स डालना है। सो यहाँ पे मैं कांटा वाला बीट्स नहीं, मटका शेप का बीट्स यूज़ कर रही हूँ, छोटे वाले मटका शेप के बीट्स, ब्लू कलर का। जो हमने कॉर्ड इधर निकाला था उसमें एक मोती डाल देना है। और जो सेकेंड वाला कॉर्ड है उसके ऊपर जो मोती हमने डाला है उसे पाइपिंग करना है दूसरे कॉर्ड के ऊपर। सो ये आपको वीडियो में अच्छे से दिख रहा होगा। अब जो ये वाला कॉर्ड है ये लेना है, फर्स्ट ये वाला कॉर्ड को पाइपिंग कर लेना है। और ये फर्स्ट वाले कॉर्ड में भी एक मोती डालना है और उससे भी पाइपिंग कर लेना है। इसी तरीके से लास्ट कॉर्ड तक मोती लगा करके कंप्लीट करना है। सो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लास्ट तक कंप्लीट किया है। सो यहाँ पर टोटल 9 मोती लग के रेडी हुआ है, ठीक है, 9 लास्ट। अब जो है ये वाला लास्ट वाला कॉर्ड लेना है और कॉर्ड्स को पाइपिंग करना है। सो वैसे ही पाइपिंग करना है जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, एक कॉर्ड पाइपिंग करेंगे पहले। ये कॉर्ड जो पाइपिंग हुआ है इसे भी अब हमें ले लेना है और थर्ड वाला जो कॉर्ड है उसे पाइपिंग करना है और थर्ड वाला कॉर्ड भी ले लेंगे और तीनों कॉर्ड के ऊपर फोर्थ वाला कॉर्ड पाइपिंग करेंगे। इसी तरीके से जो कॉर्ड से इंक्रीज करते जाना है। ये देख सकते हैं ये हो गया पूरा लास्ट तक। अब जो है सारे कॉर्ड्स को डिक्रीज करेंगे। सो अब ये इस साइड करेंगे, राइट साइड जिस साइड मोती लगा हुआ है अब उस साइड में हम लोग उस साइड से इधर पाइपिंग करेंगे। तो ये सारे कॉर्ड्स डिक्रीज होंगे और सारे जो कॉर्ड्स हैं वो जिधर मोती है उधर आएगा। सो ये चीज़ आपको बस ध्यान रखना है, इसलिए ये वाला मैं दिखा रही हूँ अच्छे से। ये भी लास्ट तक हो गया है। सो यहाँ पर हम लोग इसे भी जगह होल करेंगे और उसमें कॉर्ड अंदर ले लेंगे ऊपर से।
और वैसे ही मोती